नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप टैली प्राइम के एजुकेशनल वर्जन को किस तरह से गोल्ड वर्जन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। इसे आप पूरे 1 मंथ तक यूज कर सकते हैं, इसके सभी फीचर्स का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स दिखाई देंगे जो कि आप प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह से आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लाते रहेंगे। आपको अपना गूगल ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर क्लिक करना है आपको टैली सॉल्यूशन पे एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने जो सबसे पहला वाला लिंक नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा टेक अ ट्रायल फ्री का, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने गेट 7 डेज फ्री ट्रायल का ऑप्शन आपके सामने दे रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने नोटिफिकेशन है कि आप इसे 7 दिनों तक यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसे एक्टिवेट कर लेंगे तो आप इस वर्जन को 30 डेज तक यूज कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको इसे करके दिखाता हूँ। इसके लिए आपको एक छोटा सा ये फॉर्म फिल करना होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि आप है कौन, कोई बिजनेस ऑनर है, कोई अकाउंटेंट है, कोई स्टूडेंट है या अदर्स है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एज अ स्टूडेंट और यहाँ पर इसकी नेचर ऑफ बिजनेस ये ऑटोमेटिक आपका हाइड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम टाइप करना होगा, तो मैं यहाँ पे नाम टाइप कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोन नंबर टाइप करना होगा, तो मैं यहाँ पर फोन नंबर टाइप कर देता हूँ। फोन नंबर लिखने के बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी टाइप करनी होगी, तो मैं यहाँ पर ईमेल आईडी टाइप कर देता हूँ। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद आपको पिन कोड देना है, तो यहाँ पर पिन कोड दे देता हूँ मैं। और उसके बाद मैं इसे यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक मैसेज आएगा थैंक्स फॉर अप्लाइंग का। इसके बाद आप अपनी मेल आईडी चेक करिए, मेल आईडी पर आपको उसका सीरियल नंबर भेज दिया जाएगा, तो वो सीरियल आईडी हम अपने टैली प्राइम के अंदर फिल करेंगे। इसके बाद आपको चले जाना है अपनी मेल आईडी पर। मेल आईडी पर आप देखेंगे आपके सामने एक सीरियल नंबर और एक एक्टिवेशन की आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगी। इस एक्टिवेशन की और इस सीरियल नंबर को आपको कहाँ पुट करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना होगा। यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर ट्रायल वर्जन के लिए डाउनलोड हो जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर है यहां से आपको डाउनलोड कर लेना है ट्रायल वर्जन के लिए। तो यहां पर देखेंगे हमारा सेटअप यहां से डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा समय लगेगा, इसको डाउनलोड होने देते हैं। डाउनलोड होने के बाद आपको करना क्या है, सेटअप को इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करना है। इंस्टॉल पर क्लिक होने के बाद इसकी प्रोसेसिंग को आप कंप्लीट होने दें। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट टैली प्राइम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपका टैली प्राइम यहाँ पर ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको ओपन होने देते हैं। इसके ओपन होने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आ गया कॉन्फिगर का और एक्सेप्ट का, तो हम यहाँ पर एक्सेप्ट को क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको जाना होगा एक्टिवेट न्यू लाइसेंस पर। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सीरियल नंबर मांगेगा, जो सीरियल नंबर हमारी मेल आईडी पर भेजा गया है, तो हम उस सीरियल नंबर को यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। आपको जाना होगा अपनी मेल पर। मेल पर जाने के बाद यहाँ से हम सीरियल नंबर को यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और टैली प्राइम के अंदर जाने के बाद यहाँ पर उस सीरियल नंबर को पेस्ट कर दीजिए। एंटर प्रेस करिए। अब आपसे एक्टिवेशन की मांग रहा है, तो एक्टिवेशन की हमारी क्या है, वापस आप चले जाइए यहां पर और अपनी एक्टिवेशन की को यहां से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप इसे भी यहां पर क्या करेंगे, पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे आपके पास यहां पर .NET ID आपसे मांग रहा है, तो आपकी जो .NET ID थी यानी जो आपकी मेल आईडी थी वो आपको यहां पर फिल करनी होगी, तो मैं उसको यहां पर फिल कर लेता हूं। मेल आईडी फिल करने के बाद आपको सिंपल एंटर प्रेस करना होगा। एंटर प्रेस करने के बाद आपको यही मेल आईडी दोबारा से टाइप करनी होगी, तो हम इसे दोबारा से टाइप कर लेते हैं। इसके बाद आपको एंटर प्रेस करना होगा। एंटर प्रेस करने के बाद ये थोड़ा सा समय ले सकता है, इसे चलने दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने 3 ऑप्शन यहां पर शो हो जाएंगे। सबसे पहला कंटिन्यू इन एजुकेशनल बोर्ड, दूसरा आपका ऑप्शन आएगा यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, और तीसरा आपका ऑप्शन आएगा अनलॉक एग्जिटिंग लाइसेंस। तो हम क्या करेंगे, यहां पर अनलॉक एग्जिटिंग लाइसेंस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे अनलॉक की मांगी जाएगी, ये अनलॉक की आपको अपनी मेल आईडी पर मिल जाएगी। इसके लिए आपको अपनी मेल आईडी फिर से ओपन करनी है और यहाँ पर आप देखेंगे आपका यहाँ पर एक अनलॉक की आपके सामने शो हो जाएगी, यानी आपके पास एक मेल और आएगी और ये आपकी अनलॉक की यहाँ से आपको कॉपी करके अपने टैली प्राइम के अंदर ले जा करके आपको इसको पेस्ट करना होगा। अनलॉक की डालने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। आप देखेंगे आपके सामने कॉन्ग्रेचुलेशन का एक मैसेज आ गया, योर लाइसेंस इज सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। आप देखेंगे आपका जो टैली प्राइम एजुकेशनल मोड में था वो आप देखेंगे आपका गोल्ड में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरह से आप अपने टैली प्राइम के एजुकेशनल मोड वर्जन को गोल्ड वर्जन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।